दोस्तों वीडियो देख के आप कमेंट करिएगा। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आती है, जिसमें से 90% लोग ढूंढ लिए जाते हैं मगर 10% का कुछ पता नहीं चलता। मूवी की शुरुआत में हम दो ऑफिसर्स ब्रियान और गैरी को देखते हैं जो एक हाईवे पे ड्यूटी कर रहे थे। वो वहां से आने वाली कार की स्पीड चेक कर रहे थे, तभी उनके सामने से एक ट्रक जाता है जिसकी स्पीड कम होती है, मगर ये लोग फिर भी उसका पीछा करते हैं और उस ट्रक को रोकते हैं। वो ट्रक मिक ड्राइव कर रहा था, ये लोग उस पर ओवर स्पीडिंग का चार्ज लगाते हैं। मिक कहता है उसकी ट्रक की स्पीड 100 से कम थी, मगर ये लोग नहीं मानते और मिक की इंसल्ट करते हैं और उसका चालान काट देते हैं। मिक अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए अपनी गन निकालता है, कार क्रैश हो जाती है। फिर हम देखते हैं मिक इनकी कार की तरफ पेट्रोल लेके आता है। गैरी कार से निकल के रेंगता हुआ भाग रहा था, मगर मिक उसकी टांग तोड़ के उसे कार के पास लाता है और उसकी कमर में चाकू घुसा देता है, फिर उसे कार में बैठाता है। गैरी बोलता है उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर मिक उसे जिंदा ही जला देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग जर्मन कपल को, जिनका नाम रटगर और कैटरीना था, जो ऑस्ट्रेलिया में बैकपैकिंग कर रहे थे। वो दोनों लिफ्ट न मिलने की वजह से पैदल ही जा रहे थे, फिर उन्हें ट्रक दिखता है। रटगर उससे लिफ्ट मांगता है मगर वो नहीं रुकता, आगे जाके ट्रक रुक जाता है और वो ट्रक मिक का होता है। ये लोग उस ट्रक की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे से दूसरा ट्रक आता है, तो आगे वाला ट्रक चला जाता है। ये देख के रटगर सोचने लगता है कि वो ट्रक रुका था उसके बाद क्यों चला गया। फिर उन्हें दूसरे वाले ट्रक में लिफ्ट मिल जाती है। आगे फिर ये लोग एक लेडी से लिफ्ट लेते हैं और वॉल्फ क्रीक पहुंचते हैं। वहां ये लोग इंजॉय करते हैं और रात होने से पहले वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग लिफ्ट मांगते हैं मगर इन्हें लिफ्ट नहीं मिलती। रात होने लगती है और ये लोग वहीं पर कैंप लगा लेते हैं और अपनी रात वहां पर बिताने को सोचते हैं। फिर वहां से मिक जाने लगता है। मिक उनका कैंप देख के उसके कैंप के पास आता है। रटगर बाहर आता है, मिक उससे बोलता है ये नेशनल पार्क है, यहाँ कैंप लगाना मना है, अगर यहाँ तुम पकड़े गए तो तुम पे चार्ज लगाया जा सकता है। फिर मिक उन्हें टाउन तक लिफ्ट देने को कहता है, मगर रटगर कहता है वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सुबह होने पे यहाँ से निकल जाएंगे। मिक गुस्सा हो जाता है और रटगर को पकड़ के उसके पीठ में छुरा मार देता है। ये देख कैटरीना चिल्लाती है और मिक उसको पकड़ के उसका रेप करने की कोशिश करता है। अभी पीछे से रटगर आके उसे मारता है, मगर मिक उसे मारने लगता है और शॉक हो जाती है और फिर मिक उसे बेहोश कर देता है। जब उसको होश आता है तो वो डर के वहां से भागने की कोशिश करती है। मिक उसे अपनी कार से दौड़ाता है मगर वो उसे झांसा देके वहां से निकल जाती है। फिर हम एक टूरिस्ट पॉल हैमर को देखते हैं जो हाईवे पे कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसके सामने कैटरीना आ जाती है और वो उसे देखकर अचानक से ब्रेक लगाता है और कैटरीना के पास जाता है। कैटरीना उससे हेल्प मांगती है, वो उसे कार में बैठाता है और उसके हाथ की रस्सी खोलता है। वो बहुत डरी हुई थी, तभी पीछे से मिक आ जाता है। कैटरीना उससे वहां से भागने को कहती है, वो तेजी से अपनी कार भगा है। मिक उसका पीछा करता है, मिक पीछे से उनकी कार को टक्कर मारता है मगर पॉल अपनी कार संभाल लेता है। मिक उसके कार के बगल अपनी कार लगाता है और उसे चाकू डरा के दिखाता है। कैटरीना बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर पॉल अपनी कार को आगे बढ़ाता है तो मिक उसकी कार के पास फिर से आ जाता है। फिर पॉल उसकी कार को टक्कर मारता है जिससे मिक की कार जाके टकरा जाती है और पॉल भी आगे जाके रुक जाता है। मिक कार से निकल के अपनी गन से पॉल को शूट करता है मगर पॉल बच जाता है, मगर वो गोली कैटरीना के सर के आर पार हो जाती है। पॉल डर के कार लेके वहां से भागता है और मिक उसे शूट करने की कोशिश करता है मगर वो फिर से बच जाता है। वो सुबह तक कार ड्राइव करता है और सुबह एक जगह कार रोकता है और कैटरीना की बॉडी को बाहर निकालता है और उसे कपड़े से ढक देता है। उसे बहुत दुख था कि वो उसे बचा नहीं पाया। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है और काफी देर तक कार ड्राइव करते रहता है। वो एक हाईवे पे पहुंचता है और वहां मैप देखता है क्योंकि उसे रास्ता नहीं पता था। पीछे से आती एक कार देख के वो खुश हो जाता है कि उसे अब मदद मिल जाएगी, मगर वो कार नहीं रुकती। अभी पीछे से दूसरा ट्रक आता है, पॉल उसे रोकने की कोशिश करता है, वो पहले ही रुक जाता है और पॉल देखता है उसे मिक ड्राइव कर रहा था और पॉल अपनी कार में बैठ के वहां से भागने लगता है। मिक अपनी ट्रक से उसको टक्कर मारता है मगर पॉल कार संभाल लेता है और अपनी कार को जिगजैग स्टाइल में चलाने लगता है ताकि मिक उसे टक्कर ना मार पाए। तभी उनकी कार के सामने कंगारू आ जाते हैं और उन कंगारू को बचा लेता है मगर मिक उसे कुचल के निकल जाता है। फिर दोनों की कार का पेट्रोल खत्म होने लगता है। आगे मोड़ पे मिक का ट्रक धीमे हो जाता है और पॉल खुश हो जाता है कि वो बच गया। तभी उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है और उसकी कार जाके डिवाइडर से टकरा जाती है और खाई के किनारे रुकती है। मिक अपनी ट्रक से उसकी कार को टक्कर मार देता है और वो खाई में नीचे गिर जाता है, मगर एयरबैग की वजह से पॉल बच जाता है और कार से बाहर निकलता है और कहता है तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और देखता है कि मिक की ट्रक उसकी तरफ आ रहा था और उसकी कार से टकराता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पॉल फिर से बच जाता है। मिक ऊपर से खड़ा होकर सब देख रहा होता है। फिर पॉल अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और भागते भागते थक जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से गिर जाता है। तभी उसे सामने एक घर दिखता है, वो उसमें हेल्प मांगने जाता है और दरवाजा
दरवाजे पे ही बेहोश हो जाता है। जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को बेड पे पाता है और वो वहाँ रखे कपड़े पहन के बाहर आता है। वहाँ एक ओल्ड कपल होता है और वो लेडी उससे खाना खाने को कहती है और कहती है इसके बाद हम बाहर चले जाएंगे। जब पॉल खाना खाने लगता है तो मिक बाहर आके आवाज़ लगाता है और पॉल बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो जैक अपनी गर्ल लेकर बाहर निकलता है और मिक को वहाँ से जाने को कहता है। मिक वहाँ से चला जाता है। जब जैक वापस आता है तो देखता है उसकी दूसरी गन गायब है, तभी मिक उसे पीछे से शूट कर देता है और लिली डर के भागती है, मगर मिक उसे भी मार देता है। ये देख के बॉल पीछे वाले रास्ते से भाग जाता है, मगर मिक उसे देख लेता है। मिक वहाँ खड़े घोड़े से उसका पीछा करता है और कुछ देर में रात हो जाती है। पॉल अंधेरे में छिपता है मगर मिक उसे ढूंढ लेता है, उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है जिससे पॉल बेहोश हो जाता है। जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और वहाँ बहुत सारे टूल्स थे, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। मिक उसके पास आता है और बोलता है आउटबैक का पहला रूल, किसी के लिए भी कार नहीं रोकना। पॉल को ये बात नहीं पता थी, उसने कैटरीना के लिए कार रोकी इसीलिए उसको इसकी सज़ा मिल रही है। पॉल मिक को जोक सुनाता है जिससे मिक थोड़ा खुश होता है और उसके साथ ड्रिंक करता है और उसका एक हाथ भी खोल देता है। फिर मिक पॉल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा, मैं तुमसे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने 5 के सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पॉल खुश हो जाता है क्योंकि वो हिस्ट्री का ही स्टूडेंट था और उसे बहुत कुछ आता था। मिक उसके सामने एक मशीन लेके आता है और कहता है तुम्हारे हर गलत सवाल पे मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। मिक क्वेश्चन करने लगता है और पॉल सबका सही जवाब देता है, मगर उसकी ओवर स्मार्टनेस की वजह से वो उसकी उंगली काट देता है और उससे पूछता है ऑस्ट्रेलिया का फेवरेट क्रिकेटर कौन है। मिक उसका जवाब जानते हुए भी उसका जवाब नहीं देता और वो उसकी दूसरी उंगली काटने जाता है, तो पॉल कहता है मेरे दूसरे हाथ की उंगली काटो। वो उसके दूसरे हाथ की उंगली काटता है और उसका एक हाथ भी खुल जाता है। मिक ड्रिंक लेने जाता है तो पॉल वहाँ रखी हथौड़ी उठा के अपने पीछे छिपा लेता है। जब मिक उसके पास आता है तो पॉल उसे मारता है और उसके बाद उसके क्वेश्चन का जवाब देता है, मगर मिक उठ के खड़ा हो जाता है और पॉल डर के वहाँ से भागता है और एक गुफा में पहुँच जाता है। मिक उसे ढूंढने लगता है, पॉल को वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे वहाँ बहुत सारी लाशें मिलती है जो टूरिस्ट थे जिन्हें मिक ने टॉर्चर करके मारा था। अभी उसे एक लड़की पकड़ लेती है जो पॉल से हेल्प मांगती है, तो पॉल वहाँ से डर के भाग जाता है। उसे एक रास्ता मिल जाता है, तभी उसकी तरफ दो कुत्ते आते हैं जो वहाँ लगे ट्रैप में फंस के मर जाते हैं। फिर पॉल देखता है हर तरफ ट्रैप लगा हुआ है और उसे पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। पॉल पीछे मुड़ के उसे धक्का मारता है और देखता है कि ये तो वही लड़की थी जिसने उससे हेल्प मांगी थी, वो ट्रैप में फंस के मर जाती है। तभी उसके पीछे मिक आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे कहता है सभी फॉरनर कीड़े मकोड़े होते हैं। उसके बाद मिक उसे बेहोश कर देता है। जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को टाउन के फुटपाथ पे पड़ा पाता है। उसे बहुत चोटें लगी हुई थी और उसके पास एक लेटर था जिसमें लिखा था लूजर। वहाँ पुलिस आती है और पॉल को ले जाती है। वो उसे ही वॉल्फ क्रिक में होने वाले इंसिडेंट का सस्पेक्ट समझते हैं। फिर मिक को मेंटल ब्रेकडाउन होता है और वो आज भी इंग्लैंड के हॉस्पिटल में भर्ती है। लास्ट में हम देखते हैं मिक अभी भी खुला घूम रहा है और लोगों को मार रहा है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।